अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर, वेलकम बैक टू योर रिकॉर्डेड लेसन ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई एम योर मैथ्स टीचर मिस आयशा। इट इज़ योर सेकेंड रिविजन क्लास, सो गेट रेडी फॉर योर लेसन एंड टेक आउट योर मैथमेटिक्स कॉपीज। आज आप लोग रिविजन करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 के टॉपिक का, जिसमें हमें गिवन नंबर्स को इन वर्ड्स में चेंज करना है। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेंशन द डेट एंड डे ऑन योर कॉपीज। सबसे पहले अपनी कॉपी पर डेट और डे आज की मेंशन करेंगे, 24th August ट्यूसडे। देन ये जो वर्क मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने रिवीजन वर्क के पोर्शन में करना है। कल हमने इसका फर्स्ट वर्क किया था रिवीजन का, एंड आज आपकी रिवीजन वर्क की सेकेंड क्लास है। ओके, डेट एंड डे पुट करने के बाद यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको नंबर्स गिवन हैं, आपने इनको इन वर्ड्स में चेंज करना है। ओके, सो सी द क्वेश्चन नंबर, सी क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 2, उसके बाद कॉमा इंसर्ट हुआ हुआ है, 8, 7, 6, 1, 2, 3। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमास हमेशा 3 डिजिट्स के बाद प्लेस किए जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद कॉमा है। देन अगेन जो थाउजेंड्स की नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें भी 3 के बाद कॉमा है। इट मींस कि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमेशा मिलियंस आता है थाउजेंड्स के बाद। ओके, तो ये 3 पहले यहाँ हंड्रेड्स हो गए, उसके बाद फिर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड के बाद ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, ये किसकी हैं? मिलियंस की। सो हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन दिस नंबर? 4, 5, 2। ठीक है, 4, 5, 2 को मिलाकर क्या पढ़ते हैं? 452। तो आप लोगों ने इसी तरीके से आंसर में इन वर्ड्स में लिखना है, 452 मिलियंस, जिस तरह मैंने लिखा है। ओके, अब मिलियंस की वैल्यू लिखने के बाद आपने लाजमी क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कॉमास मस्ट इंसर्ट करने होते हैं। 452 मिलियन, कॉमा लगा दिया, उसके बाद थाउजेंड्स कितने हैं? 876। 876 कितने बनते हैं? 876 आपने मेंशन कर दिया, 876 थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स लिखने के बाद अगेन मैं कॉमा लगाऊंगी, 123। 123 मिलाकर क्या बनते हैं? 123। हमने क्या लिख दिया? 123। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इन वर्ड्स में नंबर्स को हम इन वर्ड्स में चेंज करते हैं। सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखिए, 1, 1 के बाद कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद 3 0 हैं, 3 0, देन अगेन कॉमा एंड 3, 4, 5। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि अगर आप यहाँ इस साइड से चेक करते हैं, जो थाउजेंड्स की वैल्यूज़ हैं, अगर थाउजेंड्स में 3 वैल्यूज़ होंगी, मतलब 3 के बाद कॉमा लगा हुआ होगा, इट मींस कि वो फिर मिलियंस हैं, मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। सो 3000 की वैल्यूज़ के बाद किसकी वैल्यू आपके पास, कितनी वैल्यू गिवन है? 1, 1 कितने हैं? मिलियंस हैं। मतलब ऊपर जिस तरह 452, मतलब 452 मिलियन थे, नीचे क्वेश्चन नंबर बी में ओनली 1 मिलियन, आप मेंशन कर देंगे 1 मिलियन। ओके, मैंने 1 मिलियन लिख दिया, मिलियन के बाद कॉमा है, कॉमा इंसर्ट करेंगे। अब 000 है, मींस आपके पास 1000 की वैल्यू में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप 1000 की वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि आप 0000 लिख देंगे, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं होता। 1 मिलियन लिखा, 1000 की वैल्यू में अगर 0 है, तो आपने उसकी जगह छोड़ देनी है, मतलब उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, उससे अगली वैल्यू जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। 3, 4, 5 का मतलब 345, तो हमने उसको इस तरीके से 345 को इन वर्ड्स में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को अगेन इसको सॉल्व करने का मेथड बता दिया। अब अगर कहीं पर भी किसी भी वैल्यू में, जिस तरह यहाँ पर थाउजेंड्स की जगह 0 था, अगर यहाँ जिस तरीके से हंड्रेड्स और टेंस में 0 है, या इधर अगेन थाउजेंड्स में 0 है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि उस वैल्यू को छोड़कर हम उसके फर्दर जो मज़ीद आगे गिवन होगा उसको लिखेंगे। ओके, एंड आई रिपीट अगेन कि जब भी इन नंबर्स लिख रहे हों आप कोई वैल्यू, या फिर इन वर्ड्स में लिख रहे हों, मस्ट इंसर्ट कॉमास। हम कॉमास ज़रूर लगाते हैं। मिलियंस की वैल्यूज ख़त्म हुई तो कॉमा लगाएंगे, थाउजेंड्स की ख़त्म हुई तो कॉमा लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी,
डी एंड ई बाय योरसेल्फ। मैंने तीन क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये आप लोगों का टेस्ट है। आपने अपनी कॉपी पर पहले ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करने जिस तरह मैंने किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी डी और ई आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। और आप लोग की जब कॉपीज चेकिंग के लिए आएंगी तो फिर मैं उसको चेक करूँगी कि आपने ख़ुद से कैसे सॉल्व किया है। ओके, सो ट्राई टू डू योर वर्क बाय योरसेल्फ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन टाइम पर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।